नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन आज, सीएम चंपई करेंगे उद्घाटन। झारखंड के चतरा जिले में हर साल आयोजित होने वाला इटखोरी महोत्सव इस बार 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। 19 से लेकर 21 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 19 फरवरी को करेंगे। बता दें, झारखंड सरकार की ओर से रविवार को बताया गया है कि 3 दिवसीय महोत्सव भारतीय एवं झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत होगा। इसमें भक्तिमय एवं संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि चंपई सोरेन होंगे। विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह करेंगे। बता दें, समारोह में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशुन दास के अलावा हस्तिनापुर के स्वामी रविन्द्र कीर्ति, झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद्र जैन और बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य सचिव नागजय दोरजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। असमंजस में चंपई सरकार, खुलकर नहीं बोल रहे कांग्रेस विधायक। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद से कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं। इस दौरान वे सभी विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आशंका है कि ये सभी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस उहापोह की स्थिति के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस प्रभारी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंपई सोरेन ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी मुलाकात और कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इस विषय पर हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी कहना होगा वही लोग कहेंगे। दरअसल कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे और वह रविवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। झारखंड में सियासी संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष से मिले सीएम चंपई। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर से सियासी संकट खड़ा हो गई है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे की मांग को लेकर कांग्रेस के 12 विधायकों के तेवर बदले हुए हैं। इन सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अचानक से शनिवार को दिल्ली पहुंचे। अपने दिल्ली दौरे पर चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बता दें, चंपई सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच संभवतः लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है। साथ ही झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का मामला आलाकमान तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर भी चर्चा संभवतः हुई होगी। इस्तीफे से बचने के लिए सीएम चंपई ने बुलाया छोटा बजट सत्र। सरजू राय, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चंपई सोरेन से मांग करते हुए कहा है कि सरकार राज्य की वित्त व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करे। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनके पूर्व की सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में उन्हें एक श्वेत पत्र जारी किया था। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाते चंपई सोरेन को भी एक श्वेत पत्र जारी कर वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन की पार्ट 2 सरकार की आगामी 23 फरवरी से शुरू होने वाली बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है। वर्ष 2020 में बजट सत्र में 18 कार्य दिवस, 21 में 16 कार्य दिवस और 22 में 17 कार्य दिवस और 23 में भी 17 कार्य दिवस बजट सत्र में थे, परंतु 2024 के बजट सत्र मात्र 7 दिनों का है, जिसका कोई मतलब नहीं है। पति से झगड़े के बाद पत्नी 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी। खरसावा के कुम्हार शाही बस्ती निवासी पूजा देवी ने अपने पति अशोक महतो से झगड़ा करने के बाद अपने 3 बच्चों को लेकर 20 फीट गहरे कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के कारण 3 बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। इसका इलाज खरसावा CHC में चल रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सुबह करीब 10 बजे कुएं में कूदी महिला को करीब 7 घंटे के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। जब महिला को कुएं से बाहर निकाला गया तो वह ठंड से कांप रही थी, उसे तुरंत कंबल दिया गया। बता दें, खरसावा के कुम्हार शाही बस्ती में अशोक महतो अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहते थे। वह मूल रूप से लोहरदगा के कुड्डू गांव में रहने वाले थे। सीएम चंपई आज हजारीबाग दौरे पर, अबुआ आवास के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में अबुआ आवास लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के साथ कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने जिले के सभी BDO को प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित किया है। कोडरमा की BDO सुमन गुप्ता ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, जनसेवक और रोजगार सेवक को कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रविवार को ऑनलाइन दिशा निर्देश दिया।
कोडरमा प्रखंड के 600 लाभुक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जाएंगे। फोन पर केजरीवाल और कल्पना के बीच हुई बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी से फोन पर बातचीत की है। रविवार को सीएम केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू से फोन पर बातचीत कर हेमंत सोरेन के प्रति अपना समर्थन जताया। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल का आभार जताया है। कल्पना सोरेन ने लिखा, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कि इस घड़ी में वह झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन और झामुमो परिवार के साथ हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी का षड्यंत्र आज पूरा देश देख रहा है। झारखंड के साथ साथ दिल्ली एवं अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, यह देख हर कोई क्षुब्ध है। केंद्र सरकार और बीजेपी के इस षड्यंत्र का हमें मिलकर मुकाबला करना है। जय जोहार, जय झारखंड। किसानों के लिए खुशखबरी, 2 लाख रुपए तक के लोन लेने वालों को मिलेगी राहत। झारखंड सरकार अब 2 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले करीब 4 लाख किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। कृषि ऋण माफ करने का प्रस्ताव तैयार है। वर्ष 2024-25 के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अभी राज्य सरकार 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर रही है। 50,000 रुपए तक कृषि ऋण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इस कारण सरकार अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें, नए वित्तीय वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस कारण सरकार अधिक से अधिक किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इस योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान राज्य सरकार को है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 51,000 से 1 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले करीब 3 लाख ऋणधारी किसान हैं। 1 से 2 लाख रुपए के बीच के करीब 1 लाख कृषि ऋणधारी हैं। 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता झारखंड ने जीते 2 स्वर्ण 2 रजत पदक। भारतीय एथलेटिक्स संघ और गुजरात एथलेटिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 16 से 18 फरवरी तक अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन झारखंड ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। बालक अंडर 16 वर्ग में गुमला के अनुज बाखला ने 10.96 के साथ 80 मीटर हर्डल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूर्वी सिंहभूम के हिमांशु कुमार सिंह ने उच्ची कूद में 1.85 मीटर कर जंप के साथ स्वर्ण पदक जीता है। जामताड़ा जिला की सविता मुर्मू ने बालिका अंडर 16 वर्ग में 10 मीटर अप्रोच जेवलिन थ्रो में 39.27 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया है। झारखंड में सीएम चंपई ने जातीय जनगणना को दी मंजूरी। बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह भी आदेश दे दिया है कि वो इसके संबंध में ड्राफ्ट तैयार करे। सीएम ने आदेश दिया है कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर एसओपी बनाया जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। सीएम चंपई 20 फरवरी को गिरिडीह के लाभुकों को देंगे अबुआ आवास। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को गिरिडीह में अबुआ आवास योजना का शुभारंभ करते हुए लाभुकों को स्वीकृति पत्र देंगे। साथ ही आवास निर्माण के लिए उनके खाते में प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। अबुआ आवास समेत अन्य योजनाओं के लाभुकों की सूची तैयार की जा रही है, इसलिए रविवार को भी DRDA समेत कई कार्यालय खुले रहे, कर्मी कार्य में जुटे थे। कार्यक्रम में गिरिडीह के अलावा धनबाद और बोकारो जिले के लाभुक शामिल होंगे। तीनों जिले के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। गिरिडीह के सबसे अधिक को स्वीकृति पत्र अबुआ आवास के 35,441 लाभुकों को स्वीकृति पत्र मिलना है। दोस्त की शादी पार्टी में हथियार चमकाने वाले 8 गिरफ्तार। दोस्त की शादी पार्टी में हथियार चमकाने और लोगों को धमकाने की योजना में जा रहे 8 दोस्तों को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को SP हरविंद्र सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरे मामले की जानकारी दी है। SP ने बताया है कि शनिवार की रात्रि गुमला पालकोट मार्ग सेमरा जंगई पुल के पास एंटी क्राइम वाहन जाँच किया जा रहा था। इसी दौरान एक सफ़ेद रंग का बोलेरो गाड़ी पुल के पास पहुंचा, जिसे रोककर जांच किया गया, जिसमें अनीश कुमार नामक व्यक्ति के कमर में खोसा हुआ देसी कट्टा बरामद हुआ है।
वाहन में कुल 8 दोस्त सवार थे। सभी देसी कट्टा लेकर सिसई से अपने दूसरे दोस्त की शादी पार्टी में पालकोट हंसदोन जा रहे थे, जहां हथियार चमकाने, लोगों को डराने और धमकाने की योजना थी। झारखंड में 21 फरवरी से बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। नगरी उपद्रव मामले में 21 गिरफ्तार, 500 पर FIR। झारखंड की राजधानी रांची के नगरी में मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक स्थल के पास गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने कुल 27 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद उनमें से 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपी में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त कलाम अंसारी शामिल है। झारखंड में खरीफ के मौसम में 2950,000 टन हुआ धान। झारखंड में खरीफ के मौसम में करीब 2950,000 टन धान का उत्पादन हुआ है। करीब 1165,000 हेक्टेयर में ही धान लग पाया था। बीते साल भी खरीफ के मौसम में समय पर बारिश नहीं हो पाई थी, इस कारण राज्य के सूखा पड़ गया था। राज्य सरकार ने 1640,000 हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में करीब 1185,000 हेक्टेयर में ही धान लग पाया था। सरकार ने जो उत्पादन लक्ष्य रखा था उसका आधा ही धान का उत्पादन हो पाया है। धन्यवाद।